तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम डाइपोल समझते हैं फिर से। डाइपोल का एक रिवाइज पॉइंट पढ़ा दूँ कि डाइपोल में एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये हमने कल देखा। दोनों का सेपरेशन 2a है, यानी कि सेंटर ऑफ डाइपोल जिसको हम O बोल रहे हैं वहाँ से दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लाइन जो होती है इसको हम एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं, जो माइनस एक्स प्लस एक्स है, और जो वाई माइनस और वाई प्लस जो लाइन दिख रही है वो इक्वेटर ऑफ डाइपोल हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने दिया। और एक हमारे पास में होता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पी यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर आप देख रहे हैं सेंटर में है और पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर वहीं पर आ रहा है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं अगर ये कोइंसाइड करते हैं तो इनको नॉन पोलार बोला जाता है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पे फोर्स लगाएगी लेफ्ट यानी कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वजह से होगा क्या, यहाँ पर एक डायपोल प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसको हम इंड्यूस डायपोल बोलते हैं, ठीक है। वो इंड्यूस डायपोल होता है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जैसे कि हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये दोनों भी। अब लेकिन एक होता है परमानेंट डायपोल, तो पहले वाला जो था अपना वो क्या था, वो था टेम्पररी डायपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल बना था, और ये है आपके पोलर मॉलिक्यूल जिनको हम परमानेंट डायपोल बोलते हैं। अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद में हमको एक डायपोल मोमेंट, एक मोमेंट शो करता है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे H2O मॉलिक्यूल को तो ये परमानेंट डायपोल बना था, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि एक परमानेंट डायपोल जिसमें एक माइनस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, समझ लो इन दोनों को अगर एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखा जाए 2a के डिस्टेंस पर, तो इसके अंदर में जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा 2a इंटू क्यू, ये हो जाएगी P की वैल्यू, और डायरेक्शन उसकी होगी नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम जो है तो इस डायपोल को रखते हैं तो क्या होगा, जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल हमारा रखा हुआ है, तो इस पर होता है कि एंगल है दोनों के बीच में, डायपोल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डायपोल और यानी कि एक्सिस ऑफ डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल थीटा बना है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है QE और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है माइनस QE, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो ये दोनों का नेट फोर्स मिलाकर हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल थे इसीलिए फोर्सेस इक्वल हुए, लेकिन ऑपोजिट थे इसीलिए हो गया नेट फोर्स जीरो। बट यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट होगा, यानी कि हम उसको बोलेंगे कि एक टॉर्क क्रिएट होगा और वो हमारे डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पॉइंट हमने कल समझा था कि वो डायपोल को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप जो है तो यहाँ पर डायपोल को मूव कराते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके तो पर कुछ वर्क डन होता है और कुछ एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो टॉर्क वैसे तो जनरेट नहीं होगा, ठीक है, जैसे नेट फोर्स जीरो हुआ था पहले यूनिफॉर्म में, वैसे यहाँ पर नेट फोर्स जीरो तो नहीं है। जो प्लस चार्ज है आपका वहाँ पे एक फोर्स बना है F1 और जो माइनस चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स बना है F2, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे इक्वल नहीं है, मे बी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर एक नेट फोर्स क्रिएट होगा जो हमारे डायपोल को ही मूव कर देगा, यानी कि रोटेटिंग मोशन तो नहीं आएगा, डायपोल को ही मूव कर देगा। अच्छा, डायपोल को किधर मूव करेगा, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर आप देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। अब देखेंगे आप अगर हमारा डायपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपनी तरफ में पुल करेगी, खींचेगी, और हमारे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी, इसीलिए नेट फोर्स उसका जो है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। लेकिन अगर आप जो है तो इसको ऐसा देखते हो कि अगर डायपोल को हमने पलट दिया, जैसे कि नेगेटिव चार्ज आपने बी पर रख दिया और ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में अट्रैक्शन आएगा, नेगेटिव चार्ज पे रिपल्शन आएगा, तो नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये पॉइंट को हम अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप लोगों का, ठीक है, अब तक लेक्चर समझ में आ रहा है। डायपोल पढ़ रहे हैं हम, डायपोल के बारे में हमने कल जाना था कि डायपोल एक्चुअली कैसे बनते हैं, सेग्रीगेशन कैसे होता है, पोलार नॉन पोलार मॉलिक्यूल कैसे होते हैं,
ठीक है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के डायपोल की वजह से नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, यानी एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह से पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। कुछ जगह पे ज़ीरो पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है डायपोल की, चलिए फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायपोल बनाना पड़ेगा। मतलब पहला केस लेते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, है ना। अब तक आपको डायपोल का एक्सिस किसको बोलते हो मालूम है, इक्वेटर किसको बोलते हैं वो भी पता है हमको, तो हमको इक्वेटर पे भी निकालना है और एक्सिस पे भी निकालना है। तो पहला मैं केस लेता हूँ एक्सिस का, तो एक्सिस का पहला केस, क्योंकि एक्सिस बैंक में अकाउंट है अपना, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, क्यू और ये क्यू, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। हमेशा माइनस को लेफ्ट में रखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रखो तो फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपको फिर एक वैल्यू एक याद हो जाती है कि P का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। व्हाट इज P? P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, घुमाओ इफेक्ट ऑफ डायपोल उसको बोलते हैं। तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये है अपने पास एक्सिस और ये है सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ डायपोल, मैंने लेना है एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए, क्योंकि P तो नहीं रख सकते, X रख सकते हैं, दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट ए की जो दूरी है ये आपको मालूम है ये कितना होता है, L होता है ना, और यहां से देखा जाए तो ये भी L होता है। ध्यान से देख लो चीज़ें, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से सेंटर से ये पॉइंट ए की जो दूरी है इसको R बोल के ले लेते हैं, है ना, पॉइंट ए की जो दूरी है उसको R बोलकर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए, नहीं तो बहुत सारे लोग उसको यहां से गिनते हैं, तो फिर ये आपको 2L गिनना पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ डाइपोल क्या रहती है, 2L रहती, गिनने को गिन सकते हैं कुछ भी, मैंने आपको कहा था कि गिनने के लिए कहीं से भी गिना जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गिना ही जाए। तो देखो R, अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि R माइनस L, R में से L को माइनस कर दो तो बचा है पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस। और अगर मैंने ऐसा कहा कि नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस निकालो तो आप बोलोगे R प्लस L, वो आएगा पॉइंट A का डिस्टेंस। तो मैं निकालना चाहता हूँ पॉइंट A पर, तो मैं यहाँ पर करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स लेफ्ट, अरे है कि नहीं बात सही, एंड ड्यू टू प्लस क्यू इज टूवर्ड्स राइट, चलता, ठीक है ना, लेफ्ट राइट करने के बजाय प्लस आई माइनस आई कर देंगे, एक्स एक्सिस समझ लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका प्लस आई डायरेक्शन, ये हो जाएगा माइनस आई डायरेक्शन, बनाओ बोला कहाँ है। तो ओए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अपना, इसको नंबर वन दे देते हैं चार्ज को, इसको चार्ज नंबर टू दे देते हैं, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वन, माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, या तो आप इसको प्लस ई बता दो, इसको माइनस ई बता दो, ये भी चलता है, ठीक है। तो वन टू करने के बजाय वन टू का फोर नहीं हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस ई और माइनस ई, ये दोनों डायरेक्शन बता देंगे। मतलब ये आ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहाँ पे प्लस ई और माइनस ई दोनों समान हो सकते हैं और वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कहाँ हो सकता है, तो हम कहेंगे
कहीं ना कहीं तो हो सकता है, ठीक है वो देखेंगे अपन, न्यूट्रल पॉइंट तो निकाल लेंगे बाद में। अभी ज़रा समझते हैं कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्शन नेट डायरेक्शन किधर जाएगा मुझे ये समझाओ ज़रा। अरे मन्ने समझाओ रे बेटे, देखो इसका जो वैल्यू है प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ज़्यादा स्ट्रांग होगी, या माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि देखो ये चार्जेस तो दोनों भी सेम है, ये चार्ज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये चार्ज का डिस्टेंस कम है, और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, यानी कि हम बोलेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बहुत कम है, ये बहुत वीक है। मैं इसको ऐसे बताऊँ क्या, है ना, ये ऐसे वीक बता देता हूँ इसको, और ये स्ट्रांग है, मतलब डायरेक्शन हमारा इधर आने वाला है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड या E1 प्लस E2 वेक्टर में कर देंगे उसको। चलो E1 की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले की वजह से ड्यू टू, पहले माइनस वाले की वजह से लिखते हैं माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की वजह से E1, ये पहला है ये दूसरा है ना, तो E1 इज इक्वल्स टू के और क्यू अपॉन के, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना है R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अच्छा दूसरा लो, दूसरा लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, आप उसको लिखते हैं E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना। चलो इसको डायरेक्शन दे देंगे, E1 जो लिया हमने इसके लिए लिया है ना, इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस आई डायरेक्शन, है ना, और माइनस आई कैप लिख दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ में इसके पास आ जाएगा प्लस आई कैप। ओके समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से इसको जो तो डिफाइन किया जाता है अलग अलग बुक्स के अंदर में, कि आप यहाँ पे जो है तो इस फील्ड का कुछ तो भी डायरेक्शन ए, और यहाँ पे कोई तो भी और अल्फ़ाबेट ले लो, ठीक है, ए बी की डायरेक्शन और ए सी की डायरेक्शन, ऐसा बता सकते हो आप, कोई फ़र्क की बात नहीं है, ठीक है। और फिर अगर आपने डायरेक्शन यहाँ पे ए बी और ए सी अगर बताया, तो फिर आपको ये चार्ज को प्लस और ये चार्ज को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की ज़रूरत तो अपने को है। क्यों है, देखो ये ई नेट निकालने के लिए, तो अपन निकालेंगे ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई वन प्लस ई टू। वॉट इज ई वन, ये है ई वन और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, और E2 जो है वो प्लस है, तो पहले E2 को लिख लेंगे, E2 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसके लिए ये माइनस हो जाएगा, K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। चलो फिर इसमें से K Q को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा K Q 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ऊपर आएगा ये ऊपर आएगा बोले तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, जिसको आता है वो आगे कर सकता है वीडियो को थोड़ा सा। के क्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस, पहले ब्रैकेट में लिखता हूँ दोनों को, बाद में ब्रैकेट निकाल देंगे अपन, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, है ना, ये इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, माइनस ब्रैकेट में लिखो फिर से, इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, है ना, ऐसे आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर भी है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता दोनों ब्रैकेट्स को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आना ही था, अब ब्रैकेट का भी स्क्वायर है इसीलिए ऊपर स्क्वायर चला जाता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा। हमारी स्टेप्स कुछ बड़ी हो गई ना, है ना, जगह नहीं पुरने वाली शायद लिखने को, क्या मानो के क्यू, अब इसको अगर ओपन कर दिया तो अंदर क्या बच रहा है, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस गेट्स प्लस टू आर एल, वाह जी वाह, है ना। और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर टू। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर के साथ बचा कितना, टू आर एल प्लस टू आर एल बोले तो फोर आर एल, है ना। तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू फोर आर एल, है ना, और डिवाइडेड बाय बचा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो के क्यू इंटू टू एल, देखो ज़रा के क्यू इंटू टू एल, अब इसमें से टू बचा आर बचा तो ये आ जाएगा टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर स्क्वायर। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि क्यू टू एल क्या होता है, एज पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, तो वैल्यू पी की पुट कर देंगे। चलो पी की वैल्यू रख दिया मैंने, तो क्या हो जाता है ये के पी टू आर, यानी कि आप उसको लिख सकते हो टू के पी आर ई नेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर स्क्वायर, है ना, ऐसे हो जाएगा। प्लस कैसे ले लिया हमने इसको, ओ भाई नींद में है क्या, माइनस है ना वो, ये माइनस में। अब क्या है, के की वैल्यू रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये चला गया यहाँ पे आ गया टू, ठीक है। तो अपने पास में वैल्यू आई है ई इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि ये प्लस आई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन प्लस आई है, तो इसको लिखेंगे डायरेक्शन क्या है इसका, प्लस आई, ठीक है, डायरेक्शन है इसका प्लस आई, वेक्टर नहीं होता है कैप होता है, ठीक है, ऐसा है। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अब वो बट लेकिन हर जगह आ जाता है, देखो ज़रा, बट एज जो एल है ये बहुत छोटा है आर से, देखो ज़रा L जो है ये डायपोल की लेंथ होती है ना, ये यहाँ से सेंटर से कोई भी एक चार्ज की लेंथ, ये लेंथ बहुत ही छोटी होती है, R जो है तो बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब ऐसा ले लो R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और ये जो L है ये 1 एंगस्ट्रॉम, ओह माय गॉड, बहुत छोटा हो गया ना, है ना, ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे आप, उसको इग्नोर कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, एल स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, इग्नोर मतलब अच्छे से बोले तो नेग्लेक्टेड बोलते हैं उसको, है ना, नेग्लेक्टेड बोलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो जरा, ई इज इक्वल टू ई, इसको बोलते हैं एक्सिस, ई ए, ई ए मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, बोले तो आर एस टू फोर, है ना, बाकी तो निगलेक्ट हो गया आर एस टू फोर, तो ये वाला एक आर इसके साथ में चला गया, यहाँ पे बचा तीन, तो आपके पास में ई ए की जो वैल्यू फाइनल बची है वो कितनी आ रही है, अगर इसको अपन लिख सकते थे 1/4π ना, तो 1/4π लिख सकते थे, 2 आना चाहिए था साथ में, ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ दोनों तरीके से आपको, यह आ जाएगा पी अपॉन 2π εr³, बस याद रखो ऐसे आ जाता है। या फिर आप इसको ऐसा बोलते हो और में ऐसा लेते हो, और में कैसे लेते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी अपॉन 4π εr इंटू आर क्यूब, यानी कि 2kp अपॉन आर क्यूब, वाह जी वाह, कितनी अच्छी क्वेश्चन आई है, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डायपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से, आपको मालूम है एक चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बट जब डायपोल की बात आती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो आप उस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल है ना, डायपोल कौन सी वाली, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इन्वर्सली वो शॉल टू आर क्यू, क्योंकि अभी तो अपन ने इक्वेटर वाली निकाली नहीं ना, वो भी देखते हैं कितने आने वाली है बोल के। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखो फास्ट। चलो निकालते हैं ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल, है ना। डायपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायपोल बनाते हैं, है ना। इसको माइनस चार्ज बोलते हैं और इसको प्लस बोल देते हैं, बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है। और टोटल लेंथ कितनी होती है? 2L होती है, अपने को ये बचपन से मालूम है। ये लेंथ को L बोला जाता है, जन दोस्तों दूसरे पेन से बताएंगे, अच्छा दिखता वो। सिर्फ अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस डायपोल से डायपोल की वैल्यू लिख देते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। माइनस प्लस तो मैंने ऊपर बता ही दिया था, अरे वाजी वाह, क्यों बताने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे देखते हैं ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। देखो जरा, यहाँ से ये डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, समझो पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। ये पॉइंट का नाम रख दो पॉइंट ए, ये पॉइंट का नाम रख दो पॉइंट बी, ये पॉइंट का नाम रख दो पॉइंट सी सेंटर के लिए, और ये पॉइंट का नाम रख दो पॉइंट डी, ठीक है। तो पॉइंट डी पर बी डी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, अरे होगी जी, बोलो। दूसरा देखो, ये है आपका पॉइंट, है ना, ये पॉइंट है ए डी, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्योंकि माइनस की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अरे नीचे की तरफ होगी भाई मेरे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो नीचे की तरफ होगी, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ तक के यहाँ तक शो कर दो भैया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये किसकी वजह से है, ई ए, तो इसका आप लिखेंगे वैल्यू ई ए, और इसको लिखेंगे ई बी, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने ई बी, ये हो गई आपकी बी की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ए की इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, ठीक है। दो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाना किधर है भाई, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ। ये होगी भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे वाह जी वाह, ठीक है। ऐसा निकाल लेते हैं। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे हम अलग अलग एंगल लेके भी खेल सकते हैं। अगर यहाँ से एक एंगल लिया, यहाँ से फिर वो एंगल लिया, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे, ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ओके। देन और अगर ये एंगल थीटा होता है तो, क्योंकि सेम है ना, मिड पॉइंट पे है ये, तो इसलिए ये एंगल भी सेम होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा अपने पास में एंगल, और ये होगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे वो पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। देखो पी की डायरेक्शन किधर होती है, इधर होती है ना। पी बोले तो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट में बिल्कुल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है, क्योंकि ये सिमेट्री है, ठीक है, ये सिमेट्री है। चलो इसकी वैल्यूज लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस जो है, रेड पेन आ जाओ भाई, ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर, ऐसा सोच लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि लेट लेट पॉइंट डी इज एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस जो होगा बी डी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो आप बोलोगे कि डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, बन गया। तो चलो हमारे पास में डिस्टेंस आ गया है, तो इसीलिए फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए,
ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखो ऐसे आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट ए, है ना, चार्ज एट ए, ये जो है नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, कितना रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख के बता रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बता दो, यूनिट वेक्टर है एन, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अपन क्या बता देंगे उसका, डी ए बता देंगे, लो डी ए यूनिट वेक्टर है ना, ऐसे आ जाएगी इस डायरेक्शन में। अच्छा, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी की वजह से, तो हम इसको लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दिया मैंने तो रूट हट गया वो। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी डी यूनिट वेक्टर बी डी, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं सीधा आगे, तो ये हो गया आपके पास में डायरेक्शंस। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, एट पॉइंट डी देखो ज़रा क्या होने वाला है, एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर एक बहुत ही अच्छी डायग्राम हम बना सकते हैं, देखो ज़रा, दिस इज योर पॉइंट डी, और यहां पर अगर आप इसको एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो, है ना, एक्स और वाई एक्सिस अगर आप इसको बना के देखते हो तो क्या हो रहा है, देखो यहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसको बोला है हमने ई ए, नहीं ई बी बोला है इसको, और इसको बोला है ई ए, ऐसे बोला है। अगर मैं देखता हूँ कि ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट कर दो, क्या क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ और वो हो जाएगा ई ए साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसका नाम होगा ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इसको देखेंगे तो इसका ई बी कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा और ऊपर जाएगा ई बी साइन थीटा कंपोनेंट। अरे वाह जी वाह, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है, एज ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, देख लो मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों भी सेम है, इसका भी अगर रूट हटा दिया तो स्क्वायर निकल जाता है उसका, तो ई मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, है ना, मैग्नीट्यूड में अगर दोनों सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा कंपोनेंट कैंसल आउट ईच अदर, अरे है कि नहीं, अरे बोलो रे बेटे, अरे बोलो ना, है ना, ये कैंसल आउट करेगा ना ई बी और ई ए दोनों का साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि इक्वल है इसलिए कैंसिल आउट कर देगा और बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर ई नेट क्या बचेगा अपने पास, ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा दोनों भी क्योंकि सेम है तो अपन लिखेंगे उसको टू ई ए कॉस थीटा, कुछ भी ले लो, ए ले लो या बी ले लो चलता है क्योंकि ए और बी दोनों तो सेम ही है, टू ई कॉस थीटा, बस ये है अपना फाइनल। तो अपन इसको वैल्यू लिखते हैं, क्यों ई की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी, ट्वाइस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा डायग्राम देखो, ये थीटा है, इसका कॉस थीटा निकालो बोला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट कौन है, एल अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बात सही है, चलो लग दो फिर इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ई नेट इज इक्वल्स टू टू के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू, तो टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे समझ गए हो, के 2QL क्या बना, P, तो E net 2QL, देखो ये
एल क्यू टू, टू क्यू एल क्या बनता, पी बनता, तो ये हो जाएगा पी के। ओ माई गॉड पी के बन गया भाई। और नीचे क्या हो जाएगा देखो, इसको ऐसा लिखे तो चलता क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर वन, और इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर वन बाई टू, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो वैल्यू कितनी बन गई, पी के या के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। आप देखो जरा, एज एल इज मच लेस देन आर, अगर आर से बहुत छोटा है तो इग्नोर कर दो, एल को अगर इग्नोर कर दिया, अगर एल को इग्नोर कर दिया तो आर का पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन, ये पी अपना डायपोल मोमेंट वाला पी है, और नीचे आ जाएगा आर का क्यूब, क्योंकि आर का पावर 3/2 आएगा, तो 2 2 गेट्स कैंसिल, बचा कितना, एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो बचा कितना, आर क्यूब, ये बचा है अपने पास वैल्यू, बस यही आंसर है उसका। और लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ई इक्वेटोरियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ई इक्वेटर बोलते हैं, इक्विवेलेंट नहीं, इक्वेटर बोलते हैं उसको, ई इक्वेटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इज इक्वल टू। और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ, देखो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं ना, तो के पी, के पी बोले तो कितना हो जाएगा, 1/4π ε₀, और ये आ जाएगा आपके पास में पी बाय आर क्यूब। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारे पी के ऑपोजिट है, मतलब हमारे फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू को प्लस और माइनस नहीं दिए, आई को भी यहाँ पे, यहाँ तो दे नहीं सकते थे ना, इसलिए क्यू को देना चाहिए था यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस, अगर आप एक प्लस एक माइनस अगर क्यू को देते हो तो फाइनल आंसर में आपके पास में यहाँ पे, अगर इसको एक जो है था वेक्टर बनाते हो तो यहाँ पे माइनस आता है, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर इज ऑपोजिट, इज ऑपोजिट टू पी, वेक्टर पी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वेक्टर पी। वेक्टर पी की डायरेक्शन कैसे है, अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में बताया तो यहाँ पे आएगा माइनस, याद रख लो, ठीक है, कुछ चीज़ें बाद में समझा रहा हूँ, समझ लो सिर्फ शुरू से, आप अगर माइनस लगा के लाते हो तो माइनस लगा के ला लो चार्ज को, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये पी को अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर सपोज करते हो तो यहाँ पे माइनस आना जरूरी है, वो माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ पी और ई, ई इक्वेटर, ई इक्वेटर ये है, तो इसको इक्वेटर बोल दूँ क्या, अब इक्वेटर बोल देंगे इसको, हाँ ठीक है इक्वेटर, तो ये हो गया इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है पी की डायरेक्शन, तो पी की डायरेक्शन इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ से लिख लो फिर, ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें के पी बाय आर क्यूब है और पहले वाला जो एक्सिस था उसमें 2 KP/r³ है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब तक के दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अगर डायपोल के एक्सिस पे हो, डायपोल का मैग्नेटिक सॉरी डायपोल का इलेक्ट्रिक मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट कितना है पी, ये पी के डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक्सिस पे बात कर रहे हो तो, और ये पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी यानी एंटी पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इक्वेटर पे बात कर रहे हो, यानी पी के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पी के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा चलता ना, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो चलता क्या, देखो जरा, दिस इज माय डायपोल, चलता ना, ऐसा भी शो करते हैं डायपोल को, जस्ट पी बना देंगे और बोल देंगे आपको कि ये समझ जाओ डायरेक्शन, डायरेक्शन देख के बताओ, बोले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस किधर किधर है, तो डायपोल है ये, बताओ नेगेटिव किधर है और पॉजिटिव किधर है, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, करेक्ट, क्योंकि पी की डायरेक्शन क्या रहती है, नेगेटिव से पॉजिटिव रहती है, अब समझे, तो ये इसको भी डायपोल बता सकते हैं। अच्छा इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये डायरेक्शन में ई ए, अच्छा इसके इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एंटी पैरेलल में ई इक्वेटर, समझा, आप समझा, इसको ऐसा भी शो करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा भी शो करने को दिया जा सकता है, आपको जस्ट पी बना के छोड़ देंगे और बोलेंगे बस डायपोल है समझ लो उसको। तो अब निकालते हैं हम जनरल पॉइंट का, जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, वही जो अब तक के अपने पास है, डायपोल चाहिए, अच्छा ये प्लस क्यू माइनस क्यू,
अब हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट है, समझ लो ये वाला पॉइंट है, कोई तो भी ये पॉइंट है, इसका पॉइंट दे देंगे नाम क्यू, पॉइंट क्यू, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जनरल पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा सेंटर ऑफ डाइपोल को पकड़ता हूँ पहले, सेंटर ऑफ डाइपोल, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रख दिया मैंने सी, और सी से यहाँ एक लाइन मिलाते हैं, है ना, ऐसे हम ये देखेंगे कि डायपोल के सेंटर से पॉइंट क्यू जो है हमारा वो कितने डिग्री पर आता है, तो हम बोलेंगे थीटा डिग्री पर आता है, समझ लो थीटा डिग्री में आता है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पे ना एक्सियल काम करने वाला है ना इक्वेटोरियल काम करने वाला है ना, दोनों भी काम नहीं करने वाले, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास में कौन है, डायपोल है ना, डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट पी है, उसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन एक हमने इसके लिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया, क्या किया, हमने बोला कि जब ये पी जो है ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, अगर एक पी वेक्टर है, देखो अगर ये एक वेक्टर है पी, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना, एक कंपोनेंट हो सकता है पी कॉस थीटा और एक हो सकता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि इसको एंगल थीटा दे दो तो ये एंगल आपका पी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, तो दो अगर आपके पास में तो डायपोल मोमेंट हो गए, यानी कि दो रिजॉल्व किया आपने वेक्टर को, ठीक है, रिजॉल्व किया आपने दो कंपोनेंट्स में वेक्टर को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक, इस डायरेक्शन में एक पी बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, थीटा एंगल पर यहाँ पर एक पी बना लेंगे ऐसा, तो मैं उसको ऐसे शो करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम वाइड ही शो करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये पी कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया पी कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या हो गई इसकी, पी कॉस थीटा हो गई, डायरेक्शन किधर है इसकी, द डायरेक्शन ऑफ क्यू। अच्छा दूसरा एक और डायपोल बनाते हैं, एक और डायपोल बनाना है, एक्चुअली ये मैग्नेटिक में बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल के जैसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ समझने के लिए इसको ऐसा वाइड बनाया है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपको वहाँ से दिखाई नहीं देगा। अच्छा दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा, है ना, सेंटर वही रहेगा, और इसका नाम क्या रख देंगे, पी साइन थीटा नाम रख देंगे, इसका नाम क्या रख दिया, पी कॉस थीटा रख दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया, इस तरह से ये है सेंटर एस, तो आप कितने हो गए अपने पास में, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा, दो वेक्टर, दो डाइपोल बन गए, समझ लो दो डाइपोल है। मुझे बताओ कि जो हमारा कॉस थीटा है वो क्या, मैं ऐसे लिखूं क्यू को, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू लाइज ऑन दी, ध्यान से देखो ये मैं क्या लिख रहा हूं, एक्सिस ऑफ डाइपोल पी कॉस थीटा, सही बात है ना, सही बात है कि नहीं है, कितने दूरी पर, आर दूरी पर, एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, दो डाइपोल है ना अपने पास, इसीलिए पी साइन थीटा, दो डाइपोल है, एक पी साइन थीटा डाइपोल है और एक पी कॉस थीटा डाइपोल है, ऐसा समझो जरा, तो पी कॉस थीटा के एक्सिस पर आ रहे हैं हम और पी साइन थीटा क्योंकि डाइपोल है ऐसा तो उसके इक्वेटर पे आ रहे हैं, देखो जरा ये डाइपोल था तो इसके इक्वेटर पे जा रहे थे, तो वैसे ही ये डाइपोल है उसके इक्वेटर पे है हम, ठीक है, तो अब हमको ये पता चला कि एक्चुअली हम पी साइन थीटा के इक्वेटर पे है और पी कॉस थीटा के एक्सिस पे है, क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है, आराम से समझो बात को क्या हो रहा है, तो हमने हमारे पी को दो वेक्टर्स में, हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया उसको, और दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट के एक्सिस पे आ रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट के इक्वेटर पे आ रहे हैं, और हमको एक्सिस और इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, फिर तो चलो फिर लगा देते हैं, देयरफोर हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, चलो बताएंगे, यहां से पी कॉस थीटा की वजह से पी कॉस थीटा के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पी कॉस थीटा के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन जो पी कॉस थीटा की वजह से आ रही है, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हम ये इक्वेटर पे, पी साइन थीटा के इक्वेटर पे, सोचो जरा पी साइन थीटा के इक्वेटर पे,
इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर आपका पी साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, पी साइन थीटा की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, ऐसा अगर मैं ऐसा बताता हूँ, ये डायरेक्शन है आपके पी साइन थीटा की। अगर पी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट। देखो जरा, पी की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल। तो इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। देखो जरा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसको हम बोल देंगे ई टू, इसकी वजह से है ना, दो नंबर की वजह से, और ये एक नंबर है अपना। तो हमने इसको दे दिया, ये ई टू हो गया। तो अब नेट किधर जाएगा? देखो, नेट जाएगा इधर, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। अरे समझ रही बात, अल्फा एंगल पे। कहाँ से? ई वन से अल्फा एंगल पर। मैं उसको यहाँ बनाऊँ क्या? देखो ज़रा, हम बताएंगे ये पॉइंट है अपना क्यू, क्यू पर ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको आपने बोला कि ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाली, है ना, एक्सिस वाली, पी कॉस थीटा की एक्सिस पे है अपन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटर वाली, इक्वेटर वाली, ठीक है, इक्वेटर वाली। तो हमारा रिजल्टेंट किधर होता है? देखो जरा, रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अच्छा, ऑलरेडी हम कितने एंगल पे? देखो, हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से हम थीटा एंगल पे, और ये ऊपर और अल्फा गया है। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊपर है? तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस अल्फा ऊपर है। समझी बात आपको? ऐसा होता है। तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर। तो आप देखते हो ई नेट की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से अल्फा प्लस थीटा है, ठीक है, ऐसी है। तो अब चलो वैल्यूज लिखते हैं। ई ए, मैं लिखता हूँ वैल्यू, ई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई ए बोले तो 2k पी, पी कौन सा रहेगा? कॉस थीटा वाला। तो लिखूंगा मैं पी, किसके एक्सिस पे है अपन? कॉस थीटा के, तो लिखेंगे पी कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर का क्यूब। अच्छा, इक्वेटर बोलो, के और पी साइन थीटा है ना, उसके तो हम इक्वेटर पे है, अपन आर क्यूब। देखो लग गया, इस पी का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वेटर के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में इक्वेटर और ई ए, ये दोनों हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। देखो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं तो ये भी कैसे है? परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है पूरा। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो मेरे पास में हो जाएगा यहाँ पे ई ए का स्क्वायर प्लस ई ई का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये रिजल्टेंट होता है हमारा, समझे ना बात ऐसा, क्योंकि दोनों भी परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में, ये वैल्यू लिख दिया आपने। अच्छा, तो क्या करेंगे अब? वैल्यू लिखो, ई ए की वैल्यू बोलो, कहाँ है ई ए? 2k पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर का क्यूब और इसका स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब का होल स्क्वायर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। देखो जरा अगली स्टेप, यहां से कौन बाहर जा रहा? देखो, ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर, है ना, 4k स्क्वायर पी स्क्वायर। और जब यहां पे भी क्या बचेगा आपके पास में? यहाँ पे भी आपके पास बच रहा है के स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर पी स्क्वायर, और नीचे आर का पावर 3 का पावर 2, ऐसे हो जा रहा है। वो सब के सब रूट से जब बाहर निकलेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही बाहर निकलेंगे। तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा पी अपॉन आर क्यूब, ये दोनों बाहर चले गए। अब अंडर रूट के अंदर कौन कौन बचा है? तो यहाँ पे बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब के 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा। लो, कितना सिंप्लीफाई हो गया ना। तो बस इसकी वैल्यूज को लिख देते हैं फिर। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब, और रूट के अंदर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो फिर ई नेट क्या हो जाएगा आपका?
ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ई जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप जनरल पॉइंट से अगर आपने सिर्फ ये याद रख लिया ना, आप दोनों में जा सकते हो. कैसा? ई ए जाओ बोला. ए एक्सिस, जब आप एक्सिस पे होते हो तो ये थीटा कितना होता है? ये थीटा कितना होता है एक्सिस पे? एक्सिस पे थीटा कितना होता है? जीरो. ये एक्सिस है आपका, है ना? ऐसा है. तो एक्सिस पे थीटा कितना होता है? जीरो. अगर थीटा जीरो है तो इसमें थीटा जीरो रख दो. कॉस जीरो इज वन. थ्री प्लस वन इज फोर. फोर बाहर आ गया. टू. टू के पी बाय आर क्यूब. थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री. और इक्वेटर निकालो. इक्वेटर के लिए थीटा 90 होता है तो ये हो जाएगा पूरा जीरो. बचेगा वन, तो रूट के अंदर वन बोले तो के पी बाय आर क्यूब. वाह जी वाह, समझा? ये होता है आपके पास में दोनों ही वैल्यू. अगर आपने ईजी जनरल पॉइंट का अगर याद रख लिया तो यहाँ से आप आ सकते हो. ठीक है, चलो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. टैन अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, टैन अल्फा इज इक्वल टू, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना? तो अपोजिट कौन है? ई ई है. ई ई कितना है? ई ई बोले तो के पी बाय आर क्यूब. नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको. ई ई यहाँ से लेना पड़ेगा. कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इक्वेटर. के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब. तो यहाँ लिखेंगे आप के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय टैन अल्फा. निकाल रहे हो ना आप इसमें से? तो फिर एक्सिस, एक्सिस का कितना है? टू के. टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब. आर क्यूब के पी सब कैंसिल हो गया. वन बाई टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा बोले तो टैन थीटा. तो ये आ जाएगा आपका टैन अल्फा इज इक्वल्स टू वन बाय टू टैन थीटा. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हुआ तो. ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक्स के अंदर भी ये रिलेशन काम आता है. वहाँ पे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर ये आया कहाँ से? यहाँ से आया. ठीक है, अल्फा निकाला आपने. अल्फा बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके हमने निकाला उसकी वैल्यू को. यानी कि मैं इसको बोलता हूँ कि ये कौन है? ये इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कौन है? एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा तो हमने उसका डिवीजन ले लिया तो ये वैल्यू हमारे को मिली है. और हम बोलते हैं कि एक्सिस से कितने एंगल पर है ई नेट जो है? तो ई जी इज एट थीटा प्लस अल्फा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप उसको. ऐसा एक्स एक्सिस से ये थीटा प्लस अल्फा इतने दूर है, ऐसा इतने एंगल पे है तो आपको निकालना पड़ सकता है. तो ये कुछ हुआ हमारा जनरल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का और एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे. डेरिवेशन को फिर से लिखो, फिर से लिख कर याद करो पूरी डेरिवेशन को. समझ कर लो कि हमने क्या किया यहाँ पर. हमने पी के दो कंपोनेंट बनाए, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा. पी कॉस थीटा के एक्सिस पे थे तो उसकी एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड लिए. पी साइन थीटा के इक्वेटर पे थे तो उसकी इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है, वो अपोजिट लिए. उनकी वैल्यूज रखे, उनकी वैल्यूज रख के हमने सॉल्व किया. सॉल्व करके हमारे पास में ये आंसर आया है ईजी का और ये टेन अल्फा का. ठीक है, याद रखिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसका पोटेंशियल और इसके न्यूमेरिकल्स. थैंक यू वेरी मच.